सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, बाबा से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा रही? आप मिलकर आ तो गई हैं, और वैसे भी मुझे पता है कि अब बाबा की तबीयत ठीक है। आप ही तो कह रही थी कि 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? मैं कब मना कर रही हूँ मामा, चली जाऊंगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कल से हर बात पे चिड़चिड़ कर रही हो। आप नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। सारा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तुम्हारा जुहेब का निकाह नहीं हो सका, लेकिन ये मजबूरी थी। इतनी भी कोई मजबूरी नहीं थी सारा, तुम एक समीना जी भाभी, जोएब हॉस्पिटल जा रहा है, मैं शौकत के लिए परहेजी खाना भिजवा रही हूँ। जी तुम कह रही थी ना कि सारा साथ जाएगी। जी सारा, मुझे भी बहुत देर से पोरियो से मिलने जाना है। सारा जाओ फौरन साथ। जी मामा। सारा बहुत परेशान है शौकत की वजह से, रात को सही से सो भी नहीं सकी। जाहिर सी बात है, बाप बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है। ये हादिया नजर नहीं आ रही, कहां पर है? अपनी नानी से मिलने के लिए गई है भाभी, उसे शौकत का जरा सा एहसास भी नहीं है। सुबह मुझसे इजाजत ले रही थी, मैंने कहा तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी मर्जी है। उन्हीं लोगों की वजह से शौकत की ये हालत हुई है, फिर भी उनसे मिलने के लिए चली गई। जाहिर सी बात है, वही पली बड़ी, उसे मोहब्बत उन्हीं लोगों से होगी ना। शौकत ही पागल है जो बेटी का गम दिल से निकाले और हॉस्पिटल चले गए। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम, चलो अंदर चलो मेरे साथ। क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ,